नमस्ते, उत्तर प्रदेश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कार्यशाला का आयोजन, गोरखपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यशाला का आयोजन होगा। कार्यशाला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली करेंगे संबोधित। आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। तो आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कार्यशाला का आयोजन आज होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। गोरखपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली संबोधित करेंगे। आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। गोरखपुर में यह पहली बार होगा और मुख्यमंत्री इसको वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। गोरखपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। कार्यशाला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली संबोधित करेंगे। आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। सुशील हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है और पहली बार ही आयोजन हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री इसको वर्चुअली संबोधित करेंगे, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो कार्यशाला है वो काफी महत्वपूर्ण कार्यशाला है, क्योंकि बाघ को लेकर के जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर तमाम तरह की बातों को साझा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम तरह की चीजों को बताएंगे, और जिस तरीके से बाघ संरक्षण को लेकर के तमाम तरह के सरकार की तरफ से पहल की जा रही है उसको लेकर के भी इस पे चर्चा होगी। वन विभाग की तरफ से भी पूरी यहाँ पे तैयारी की गई है। कल भी यहाँ पे सुबह 7 बजे के आसपास जो है बाघ रन का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोगों ने भी भाग लिया था। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बाघ संरक्षण को लेकर या बाघ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और इसके जरिए किस तरीके से बाघों को संरक्षण करना है, किस तरीके से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इन सारे मसलों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गुरु मंत्र को देते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए।